इस घने कोहरे और भीषण शीतलहरी के चलते ट्रेनों का आवागमन प्रभावित है। कितनी ट्रेनें हैं? 5 से 6 ट्रेनें जो है 12.5 घंटे से लेके 4 से 5 घंटे तक जो विलंब से चल रही हैं, जिसमें आपकी गोंडिया बरौनी, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, दानापुर उधना एक्सप्रेस, चौरी चौरा एक्सप्रेस जो है विलंबित चल रही है। इसके अलावा लखनऊ से चलकर छपरा जाने वाली लखनऊ छपरा एक्सप्रेस निरस्त कर दी गई हैं। 1:51:25 वाराणसी बनारस से चलकर पटना को जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस वो भी निरस्त कर दी गई हैं। यात्रियों के साथ साथ हम कर्मचारियों को भी इस ठंड में जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री तो परेशान है ही है, हम लोग भी इंक्वायरी एक ही गाड़ी को कोहरे के कारण, सिग्नल न दिखने के कारण गाड़ियों की पोजीशन लगातार बढ़ती जा रही है, जो है प्रभावित हो रही हैं गाड़ियाँ घने कोहरे के कारण। तो यात्रियों को दिक्कत तो हो ही रही है, साथ साथ हम लोग भी जो है वो भी परेशानी हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है सर, ऐसी सर्दी के मौसम में सुबह 4 बजे से बैठा हूँ प्लेटफार्म पर, और कोई यहाँ पर ऐसी सुविधा भी नहीं है कि कोई अलाव अलाव हो जिससे हम लोगों को, यात्रियों को कोई सुविधा मिले। हमको कानपुर सेंट्रल तक जाना है चौरी चौरा एक्सप्रेस से, लगभग 5 घंटे लेट है। सुबह 4:30 बजे का समय था, हम लोग 3:30 बजे आ गए थे। बहुत ज़्यादा सर ठंड की वजह से ये समझिए बहुत ज़्यादा ही समस्या हो रही है, और इतना लेट होना स्वाभाविक नहीं है। हालांकि 10-15 मिनट चलता है, बहुत ज़्यादा लेट है सर, इस वजह से बहुत ज़्यादा ही समस्या हो रही है। हमारे यहाँ तो 3.5 घंटे ट्रेन लेट है, बहुत ठंडा है, यह हमको बर्दाश्त नहीं हो रही है इतना ठंडा है, और हमको पश्चिम बंगाल जाना है, अभी तक ट्रेन नहीं आ। दुर्गापुर जाना है पश्चिम बंगाल, ये तो रेल 3.5 घंटा लेट है, और मैं पूरा परिवार के साथ हूँ, इतना ठंडा है बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, बहुत मुसीबत में हूँ। ट्रेन 3.5 घंटा लेट है, हमारा ट्रेन 3.5 घंटा लेट है, और इसी की वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है ठंड में, इतनी दिक्कत हो रही है कि हिम्मत नहीं हो रहा कि खड़े रहे या बैठे रहे। चाय है, आग ताप सकते हैं, इसके अलावा और क्या ही किया जाए ठंड में। बहुत दिक्कत हो रही है, टेम्परेचर काफी डाउन हो चुका है इस वक्त। ठंड सर बहुत ज्यादा है, कोहरा भी काफी अच्छा पड़ रहा है, और चाय एक सहारा बन चुकी हुई है, क्योंकि चाय गर्म गर्म सुबह मिल जाती है तो बेहतर है। बनारस में हम लोग आए तो कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं रोड पे कहीं कुछ लोग पुलिस वाले भी जला के रखे रहते हैं, कहीं हम लोग घर पे भी जला के इसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब तो हीटर मिल जा रहा है, ब्लोअर सारी चीजें आ रही, तो काफी यूज हो जा रहा है उसका। ठंड तो है ज्यादा, कोहरा भी पड़ने लगा आजकल, तो कोहरा भी नहीं था तो कोहरा भी बहुत ज्यादा है। ठंड तो बहुत ज्यादा है, और इस टाइम आदमी को बचा के थोड़ा सा वो रहना चाहिए, और जो जितना हो सके अपना अपने आप को, शरीर को अच्छे से आप गर्म करके रहिए, चाय पीजिए और हेल्दी चीज खाइए, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी पावर जो है और अच्छी हो जाए।